ऑल इन इन्वेशन में कंगना रनावत के मुंबई ऑफिस पर महाराष्ट्र शासन का हमला, वीडियो देखकर हो जाएंगे हैरान। कंगना रनावत और संजय रावत के बीच छिड़ी जुबानी और ट्वीट पर जंग अब कुछ और ही रूप ले रही है। संजय रावत उस जंग का कंगना रनावत पर वार राजनीतिक तौर पर शुरू किया है। बीते 7 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनावत के मुंबई ऑफिस पर रेड कर दी, जिसके बाद अब 8 सितंबर को जो नोटिस जारी हुआ है वह एक मात्र मजाक जैसा प्रतीत हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बीएमसी ने क्या कुछ दिया है अपने नोटिस में। पढ़ते हैं बोली खबर की तरफ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के मुंबई स्थित कार्यालय पर सोमवार को बीएमसी ने रेड मारने के बाद उन्हें 8 सितंबर को नोटिस जारी कर दिया। लंबी पड़ताल के बाद जब बीएमसी को कार्यालय में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इस नोटिस में लीकेज का हवाला दिया। लीकेज का हवाला देकर वहां से चले गए। बीएमसी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 354A के तहत यह नोटिस जारी किया है, जिसे कंगना रनावत के ऑफिस के गेट पर भी चस्पा किया गया है। इसमें बीएमसी के कंगना के ऑफिस में हो रहे लीकेज को रोकने की बात कही है। नोटिस चस्पा होने के बाद कंगना रनावत ने भी इसकी जानकारी ट्वीट से दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आलोचना के सहने के कारण बीएमसी वाले बुलडेजर के साथ नहीं आए। इसके बदले में उन्होंने अपने मेरे कार्यालय में हो रहे लीकेज को रोकने की नोटिस दिया है। दोस्तों मुझे खतरा बहुत है, कंगना रनावत ने लिखा है, मुझे खतरा बहुत है लेकिन मैंने आप सबसे बहुत सारा प्यार और समर्थन पाया है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है जिसमें वो लिखती है, बस सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बीएमसी को स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए या दिखाने के लिए कि कहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी नोटिस के साथ। लेकिन उन्होंने आज मेरे ऑफिस पर रेड मारी बिना किसी नोटिस के और कल वह सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है वह एक राजनीतिक साजिश लग रही है, कि जिस तरीके का नोटिस संजय रावत प्रशासन की पुलिस बीएमसी की पड़ताल के बाद जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है जिनमें लीकेज की बात कही जा रही है, वो वाकई में प्रशासन के द्वारा किया गया एक मजाक जैसा प्रतीत होता है। क्या ये संजय रावत की कोई राजनीतिक तौर पे कंगना रनावत को बदनाम करने की चाल है, ये वाकई कुछ जांच पड़ताल का यह हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या है आप बीएमसी के ओर से नोटिस में जिस तरीके की बात कही गई है वो वाकई किसी मजाक की जैसी लग रही है। ऐसे में यह जो जांच हुई है वो क्या संजय रावत की किसी प्लान का हिस्सा है या वाकई में कोई जांच पड़ताल का हिस्सा है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल ऑल इंडिया नेशन के साथ। धन्यवाद।